हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं मैं। तो आज हम लोग बस की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये कुछ लोगों की डिमांड थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज बस की ड्राइंग की जाए। तो ये देखिए, मैंने स्केल से इस तरह से लाइन खींची है। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन खींच देंगे, स्लिपिंग लाइन बड़ी सी। उसके बाद फिर ये देखिए, मैं हल्का सा कर्व करते हुए ले जा रही हूँ। ठीक है, ये पूरी सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व है। ठीक है, आप देख रहे होंगे। अब मैं इस तरह से फिर सीधी लाइन खींच करके और फिर जहाँ जहाँ ड्राइवर बैठते हैं ये मैं उस पार्ट का बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से सीधी लाइन स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और यहाँ पर बनाएंगे मेन डोर। जो बस का मेन डोर होता है उसे ही हम बनाएंगे स्केल से, अपना आराम से सीधी लाइन खींच करके इसे बना लें। फिर बीच में भी हम सीधी लाइन खींच देंगे जिससे लगे कि ये बस का जो डोर होता है मेन डोर, वो है मेन गेट। अब ये हो गया। अब हम व्हील बनाएंगे बस की, ये इस तरह से हाफ सर्कल करेंगे, फिर बाद में पूरा गोल करेंगे। ठीक है, फिर हम इसे भी सीधे ले जाते हुए यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का बना देंगे छोटा सा, और यहाँ भी हाफ सर्कल पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर पूरा सर्कल। ठीक है, ये पूरा सर्कल बना लेंगे। और ये सर्कल मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था इसलिए फिर मैंने मिटाकर इसे बड़ा कर लिया है। ओके, और अब हम बनाएंगे जो विंडो होती है बस की, खिड़कियाँ जो होती है जहाँ हम बैठते हैं वहाँ का। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सीधी लाइन खींचेंगे, स्लिपिंग लाइन, और फिर एक और स्लिपिंग लाइन, और फिर छोटे छोटे जो विंडो होते हैं वो बनाएंगे हम ये इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर टाइप का बनाया है, चाहे रेक्टेंगल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। थोड़ा सा बीच में हमें गैप करना है। ठीक है, देखिए मैंने गैप किया है और फिर मैं इस तरह से विंडो बनाती जाऊंगी, यही आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा गैप करके हमें विंडो बनाना है, सटा करके नहीं बनाना। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं बस में ताकि बस सुंदर लगे हमारा। तो ये थोड़ी सी इसी तरह मैंने डिज़ाइन दे दी। ठीक है, ये हो गया। अब ये शीशा में जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं वहाँ का, और यहाँ पर मैं बीच बीच में लाइन कर दे रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ कलर करना है, शीशे का इफ़ेक्ट दिखाना है इसके लिए। ठीक है, तो ये लाइन में बीच में डाल दूँगी इस तरह से। चलिए, अब तो व्हील बन गया हमारा ये ऐसे। अब यहाँ भी थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का छोटा सा, और इस तरह यहाँ भी बना लेंगे हम। अब देखिए बस तैयार है, बस इसकी आउटलाइन करेंगे हम। ये पूरे में आउटलाइन हमें करना है। ठीक है, बस हमें आउटलाइन कर देना है। आउटलाइन ना किसी भी ड्राइंग को ना निखार देता है ना, तो आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे ड्राइंग वो उभर करके आए। तो ये देखिए हो गया ये। अब हम कलर करेंगे। ये देखिए, सॉरी मेरा कैमरा ऑन नहीं था, ये येलो कलर मैंने पहले ही कर दिया था, मैंने बाद में देखा ऑफ है। और देखिए इस तरह से साइड साइड से हमें करते हुए जाना है येलो कलर। ठीक है, लाइन से थोड़ा ये साइड साइड से, पहले साइड से कलर करें उसके बाद बीच में फिल करें। बच्चों को वैक्स कलर ही दें। ठीक है, वैक्स कलर ना हो यानी मोम कलर ना हो तो पेंसिल कलर दें। जो बड़े बच्चे हैं जो वाटर कलर से करना जानते हैं वो वाटर कलर से करें। ठीक है, ये मैं वाटर कलर से ही कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो वैक्स कलर से ही करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए, मैं साइड साइड से वाटर कलर इस तरह से दे दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने कैसे ब्रश को फिर पतला कर लिया है और
बीच में से निकाल रही हूँ मैं। ये सब ध्यान रखना होता है थोड़ा वाटर कलर में, वाटर कलर हो चाहे वैक्स कलर हो, ये तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन वैक्स कलर में थोड़ा आराम हो जाता है, वाटर कलर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दे देंगे। पूरे में येलो कलर, बस हमारी किस कलर की है तो येलो कलर। अब ये देखिए मैं शीशे का इफेक्ट डाल रही हूँ, बीच में मैंने ब्लू दे दिया है और अब मैं इसी ब्लू को देखिए सूखे ब्रश से मैं सेट बना रही हूँ। ठीक है, सेटिंग कर रही हूँ इसका, हल्का हल्का किनारे किनारे निकाल दे रही हूँ, अलग से मैंने कोई कलर नहीं दिया, बस बीच में मैंने ब्लू कलर डाला और उसी को मैं फैला रही हूँ। ठीक है, उसी को बस फैलाना है। ये देखिए मैं फैला रही हूँ सूखे ब्रश से। ठीक है, ये ब्रश गीला नहीं है, सूखा है उसी से। अगर ज़्यादा सूखा हो नहीं फैल रहा तो हल्का सा आप ले सकते हैं, फिर उसे पोंछ दें और इसे इस तरह से फैला दें तो ये जो है वो शीशे का इफ़ेक्ट आ जाएगा और सुंदर भी लगता है देखने में। इसी तरह यहाँ भी बीच में देखिए मैंने कलर डाल दिया है, उसी को मैं फिर धीरे धीरे फैलाऊँगी। ये देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है। ठीक है, अब मैं ये डिज़ाइन में रेड कलर डाल दूंगी। देखिए मैंने रेड कलर डाल दिया है। ठीक है, और व्हील को मैं ग्रे कलर से, मतलब हल्का सा देखिए मैंने ब्लैक लिया, उसके बाद फिर मैंने वाइट ले लिया है, तो वाइट कलर और ब्लैक कलर मिलकर के ग्रे कलर बनता है। तो मैं गोल इस तरह से कलर कर लूँगी पहिए में, दोनों पहिए में, और बीच में जो सर्कल है वो डार्क होगा जो मैंने कलर किया इस तरह। मुझे थोड़ा डार्क ज़्यादा ही लग रहा था तो फिर से मैंने वाइट कलर लेकर के हल्का कर लिया, यानी ग्रे कलर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा बस ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ भी कलर कर दिया, यहाँ भी रेड से, यहाँ भी रेड से कलर कर दिया है, और ये डिज़ाइन भी रेड कलर से है। तो ये बस तैयार हो चुकी है, हमारी चलने के लिए रेडी है। तो ओके दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं तक था, ये बच्चों के लिए था, बच्चे हो आई होप बनाना अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, कलर करना भी समझ जाएंगे कैसे कलर करें, और बस की स्पेलिंग क्या होती है तो BUS, बस बहुत ईजी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।